दोस्तों आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक मिनी वायरलेस कीबोर्ड जिसे मैं टेस्ट करूँगा एंड्रॉयड टीवी में, स्मार्ट टीवी में और पीसी में और भी बहुत सारे डिवाइसेस में इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मिनी वायरलेस कीबोर्ड। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजर टेक, मैं हूं मोमिन हाशिर। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में जो दिख रहा है, इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि यही प्रोडक्ट आया है नहीं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं तीन जेस्चर दिए हुए हैं इसके टचपैड पर, लेकिन जब मैं फ़ोटो स्वाइप करता हूं तो यहां पर ये कुछ अलग सा प्रोडक्ट दिख रहा है। तो पहले इसको अनबॉक्स करके मैं ये चीज़ चेक करूंगा कि वही प्रोडक्ट आया है नहीं। इसकी प्राइस है 595 रुपीज़ विद डिलीवरी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये इसका फ्रंट साइड और बैक साइड में जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन से डिवाइसेस में ये कनेक्ट हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है पीसी पर ये कनेक्ट हो सकता है, नोटबुक पर, टैबलेट पर, PS3 में भी कनेक्ट हो सकता है, स्मार्ट टीवी में, एंड्रॉयड बॉक्सेस में, तो ये सारे डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकता है। तो इसमें से हम टेस्ट करेंगे स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी और लैपटॉप। बाकी से इन तीन चीज़ों पे मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये इसका डेटा केबल है, और जैसे कि मैंने जैसे निकाला जैसे ही तो लग रहा है इसमें बैटरी लगी हुई है, कोई बटन मुझसे प्रेस हो गई और ये ऑन ही था, ब्लू लाइट और एक येलो लाइट ऑन हो गई। ये इसका छोटा सा यूज़र मैनुअल है जिसको गो थ्रू करके आप इसका यूसेज सीख सकते हैं। वैसे तो ये पूरा एक कीबोर्ड है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में मैं डिटेल में पढ़ लूँगा। ये इसके जो है ऊपर की तरफ ऑन ऑफ बटन दी हुई है, पहले से ऑन है ये, इसको ऑफ मैंने कर दिया। चार्जिंग कॉर्ड भी है, बी टाइप USB है, मिनी USB या माइक्रो USB जिसे कहते हैं। इसकी बैटरी ओपन करके देखते हैं, लिथियम आयन बैटरीज दी हुई है और ये इसका डोंगल भी उसके अंदर की तरफ है। ये रहा इसका ब्लूटूथ डोंगल, जो भी डिवाइस में इसको आपको यूज़ करना है उसमें ये लगाना होगा आपको। MAH की इसकी बैटरी है, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक लगभग 24 आवर्स कम से कम ये रिमोट कंट्रोल में चलना चाहिए। चलिए इसको दोबारा पैक करते हैं। अब इसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम एंड्रॉयड टीवी पर। ये रहा एंड्रॉयड टीवी, ये मैंने ऑन किया, आप देख सकते हैं ब्लू लाइट है और एक येलो लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है। अब जब डोंगल हम टीवी में या जो भी डिवाइस में यूज़ करना है उसमें जब लगाएंगे तो ये पैर हो जाएगा और कि जो येलो लाइट ब्लिंक हो रही थी वो ब्लिंक नहीं होगी। एंड्रॉयड टीवी के USB पोर्ट में मैंने डोंगल लगा दिया है और इसको ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने ऑन जैसे ही किया येलो लाइट सिर्फ एक बार जलकर बंद हो गई, जिसका मतलब है कि ये पैर हो गया, अब सिर्फ ब्लू लाइट जल रही है। तो अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब एक एक करके इसके सारी बटन्स बट जो बेसिक बटन्स है वो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं होम बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए होम बटन पूरी तरह से वर्क कर रहा है। सी होम बटन मैंने प्रेस किया और टीवी का होम मेन्यू आ गया। अब चलिए इसके एरो बटन देखते हैं। डाउन एरो मैं प्रेस कर रहा हूँ, डाउन एरो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन अप एंड डाउन हो रहा है, लेफ़्ट राइट हो रहा है, तो मींस एरो बटन्स भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं टीवी के साथ। सर्च बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो टीवी में वॉइस सर्च का ऑप्शन आ गया। वॉइस सर्च के लिए माइक ज़रूरी होता है तो ये वॉइस सर्च तो वर्क नहीं करेगा। अब चलिए टाइपिंग करके देखते हैं, इसके जो QWERTY कीबोर्ड है वो टेस्ट करते हैं। मैं अपने चैनल का नाम टाइप करता हूँ मंजर टेक CH। ये देखिए टाइपिंग भी जो है परफेक्ट हो रही है। इंटर करते साथ टीवी सर्च कर रहा हूँ, शायद मेरा वाईफाई सिग्नल लॉस्ट हो गया है तो मैं अपना राउटर चेक करके आता हूँ। राउटर ऑन करने के लिए मुझको थोड़ा सा वक्त लगा। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि इस रिमोट कंट्रोल में ऑटो कट का भी ऑप्शन है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बैटरी सेविंग।
और अब मैं सेटिंग से बाहर निकलने के लिए बैक बटन ट्राई कर रहा हूँ जो कि वर्क नहीं कर रही है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा होम बटन प्रेस करेंगे तो होम मेन्यू आ जाएगा और ये आ गया होम मेन्यू। अब चलिए इस मिनी कीबोर्ड को यूट्यूब ऐप में यूज़ करते हैं, देखते हैं कि ये फुल्ली फंक्शन है या पार्शली वर्क कर रहा है। लेट्स सी। सबसे पहले मैं सर्च करके देखता हूँ। ये सर्च ऑप्शन में मैं गया एरो कीज़ की मदद से और अब टाइपिंग करूँगा मैं QWERTY कीबोर्ड से। अगेन माई चैनल नेम MANZAR टेक और ये ऑटोमेटिकली सर्च हो गया और नीचे आप देख सकते हैं कि सर्च रिजल्ट भी आ गया। अब इसका माउस पैड देखिए, वो भी वर्क कर रहा है, कर्सर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, माउस क्लिक भी चल रही है, मंजर टेक मैंने क्लिक किया और ये वीडियो को आप क्लिक करते हैं और ये वीडियो भी प्ले हो गया। तो मीन्स ये यूट्यूब ऐप में भी फुल्ली फंक्शनड कीबोर्ड है। अब चलिए एक गेम खेल कर देखते हैं कि ये एज अ वायरलेस कंट्रोलर वर्क करता है या नहीं। एसफॉल्ट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है टीवी में, इसको खेल कर देखते हैं। ज़रा वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बटन भी वर्क कर रही है एंड्रॉयड टीवी पर। एक चीज़ और मैं इसमें टेस्ट करना चाहता हूँ, एक्सेल शीट। एक्सेल शीट मैंने पहले इस टीवी में ट्राई किया था बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पास जो APK है वो मोबाइल एप्लीकेशन का है और ये है टीवी, तो टीवी का रिमोट जो है उसमें सपोर्टेड नहीं था। अब जब हमने इसमें वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट किया ही है तो चलिए लगे हाथों उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं अब दोबारा एक्सेल इसमें इंस्टॉल कर लेता हूं। अगर आपको ये इंस्टॉल करने का तरीका जानना है तो कम से कम 50 कमेंट्स इस वीडियो में करिए तो मैं आपको APK इंस्टॉल करने का तरीका भी सिखा दूंगा वीडियो अपलोड करके। ये पहले से मैंने इंस्टॉल किया था इस वजह से ये अपडेटिंग दिख रहा है। होम मेन्यू में वो ऐप मुझको नज़र नहीं आया, इस वजह से सेटिंग में जाकर ऐप्स में से डाउनलोडेड ऐप्स यहाँ से मैं वो एप्लीकेशन को ऑन करूँगा। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ओपन, मेरे हिसाब से देखिए फुल्ली फंक्शन वर्क करना चाहिए। ये देखिए जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर रिमोट कंट्रोल नहीं चल रहा था, मुझको साइन इन का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, यहाँ पर साइन इन लेटर लिखा हुआ है वो मैं क्लिक कर नहीं कर पा रहा था टीवी के रिमोट से। तो अब चूंकि मेरे पास माउस कनेक्टेड है तो उसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ये ऐड न्यू वर्कशीट और ब्लैंक शीट, इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया है। मतलब ये फुल्ली फंक्शन कीबोर्ड है। अब आप टीवी में भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड टीवी में। तो ये पूरा की पूरा कीबोर्ड इसमें वर्क कर रहा है और पूरी तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं आप। तो मेरी तरफ से ये बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है आपके एंड्रॉयड टीवी के लिए। तो एंड्रॉयड टीवी के लिए मैं इसको थम्स अप देता हूँ और साथ में देता हूँ 5 स्टार। तो आप अगर एंड्रॉयड टीवी यूज़ कर रही हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ये कीबोर्ड आप खरीद सकते हैं। अब चलिए दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं स्मार्ट टीवी में। ये है स्मार्ट टीवी जिसमें डोंगल मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है इसके USB पोर्ट में। आप देखिए इसमें फंक्शन करता है या नहीं। सबसे पहले मैं इसमें होम बटन चेक करता हूँ। होम बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, होम बटन वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपके स्मार्ट टीवी में ये कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो टीवी का रिमोट भी आपको साथ में रखना पड़ेगा, सिर्फ कीबोर्ड से काम नहीं चलेगा। ये होम मेन्यू ओपन किया और यहाँ पर देखिए एरो की से अब जो है वो फंक्शन कर रही है, लेफ़्ट राइट वर्किंग, अप एंड डाउन, ये भी वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है बल्कि। अब देखते हैं एप्लीकेशन में ये फुल्ली फंक्शन है या नहीं। यूट्यूब ऑन मैं करता हूँ सबसे पहले टेस्टिंग के लिए। एप्लीकेशन में इसका कीबोर्ड तो वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टाइप किया मंजर टेक और यहाँ पर सर्च रिजल्ट आ गया। डाउन एरो भी वर्किंग कर रहा है। माउस टेस्ट करते हैं, कर्सर नहीं आ रहा है तो आपको एरो की से ही यूट्यूब सेलेक्ट करने पड़ेंगे या वीडियो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके करिए। बैक जैसा कि मैंने बताया कि वर्क नहीं कर रहा, तो बैक के लिए अगेन आपको टीवी का रिमोट कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। रिमोट से बैक करिए,
होम मेन्यू में ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, एरो कीज़ वर्क कर रही हैं, एप्लीकेशन में भी एरो कीज़ और क्वर्टी कीबोर्ड दोनों वर्क कर रहा है। अब एक चीज़ चेक करना रह जाती है कि ब्राउज़र में इसका माउस वर्क करता है या नहीं, फंक्शन है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, ब्राउज़र ऑन करते हैं। सबसे पहले ऐप में जाकर ब्राउज़र को ऑन कर लिया मैंने और अब देखते हैं टच पैड से माउस चलता है या नहीं। यस, इट्स वर्किंग परफेक्टली। माउस जो है ब्राउज़र में फुली फंक्शन है, टच पैड भी चल रहा है। क्लिक करके देखते हैं क्लिक होता है या नहीं। जी हाँ, क्लिक भी है फंक्शन। टाइप करके देखते हैं www.google.com, इंटर। इसका मतलब है ब्राउज़र में ये कीबोर्ड फुली फंक्शन है। चलिए सर्च बार में भी टाइपिंग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है सर्च, और ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट आ गए। अब जैसा कि यहाँ पर जेस्चर साइंस दी हुई है, देखते हैं वो वर्क करता है कि नहीं। डबल फिंगर से मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और ये स्क्रॉल भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो स्मार्ट टीवी के लिए भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको मैं 5 स्टार तो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इसके लिए आपको टीवी का रिमोट भी साथ में यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 3 स्टार के काबिल तो ये ज़रूर है। तो अगर आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं आपके स्मार्ट टीवी पर। अब चलिए इसे परखते हैं अपनी अगली कसौटी पर, यानी कि पीसी पर, लैपटॉप पर। तो डेफिनेटली चलना तो ये चाहिए। ये डोंगल मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। ये रिमोट कंट्रोल तो है नहीं, मिनी कीबोर्ड है तो ये फुली फंक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया कंट्रोल्स इसके हम लोग टेस्ट करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम, प्ले, पॉज, टच बटन। ये टच माउस पैड बिल्कुल ही अच्छे से वर्क कर रहा है। इसका ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लिक करके देखते हैं सबसे पहले। यस, क्लिक इज़ वर्किंग। मीडिया कंट्रोल देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। वॉल्यूम भी वर्क कर रहा है। ये देखिए वॉल्यूम मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है। जेस्चर कंट्रोल में जब आप इसको 3 फिंगर्स से क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक होगा, एंड सिंगल क्लिक जब करेंगे, सिंगल फिंगर से करेंगे तो लेफ्ट क्लिक होगा। डबल फिंगर से जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रॉल करेगा, जैसे कि माउस के रोलर से आप स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये एक फुल्ली फंक्शन कीबोर्ड है। ये इसके बैक बटन, एस्केप बटन, सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से कीबोर्ड वर्क करता है बिल्कुल उसी तरह से ये भी वर्क कर रहा है। तो कीबोर्ड के लिए तो डेफिनेटली 100% वर्किंग रहेगा ही रहेगा। टच पैड के साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए सेपरेट बटन्स भी दिए गए हैं, जिसको होल्ड करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे लेफ्ट थंब पर आप देखिए यहाँ पर एक बटन है जिसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए कर्सर होल्ड करके आप जब कर्सर मूव करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन भी परफेक्टली वर्क करता है। तो मल्टीपल डिवाइसेस पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी पर, स्मार्ट टीवी पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, या फिर आप PS3 पर इसको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं OTG केबल की मदद से। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। तो देखा आपने ये जो मिनी कीबोर्ड है, इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही यूज़फुल है। इसको हमने आज एंड्रॉयड टीवी पर चेक किया, स्मार्ट टीवी पर चेक किया, लैपटॉप पर चेक किया, हर जगह परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इजीली इसको आप मंगा सकते हैं मेरी तरफ से। इसको कंप्लीट 5+ स्टार मैं इसको देना चाहूँगा। अगर इसको आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें एक और मॉडल मैंने देखा था जो थोड़े से डिफरेंस के साथ था, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें गेस्चर्स नहीं है अलग अलग, जो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक के लिए 3 फिंगर्स एंड 2 फिंगर्स से स्क्रॉल होता है, ये सिस्टम उसमें नहीं था, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस वजह से ये वाला आप परचेस करिए, ये वाला मॉडल। आपके पास अगर स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो नॉन स्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी कैसे बना, ये जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखिए। अगर आप मूवी लवर हैं, अगर आप म्यूजिक लवर हैं, तो मेरा अगला वीडियो जरूर जरूर देखिए कि किस तरह से मैंने एक बेसिक टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट किया हुआ है, किस तरह से सारी चीज़ें वायरलेस में कंट्रोल करता हूँ। अगला वीडियो मैं अपना बनाऊंगा अपने रेसिडेंस पे, जो मैंने सारा सेटअप करके रखा हुआ है नॉन स्मार्ट टीवी को स्मार्ट बना करके, किस तरह से उसमें सारी चीज़ें, कंप्यूटर को मैं उसको एज अ डेस्कटॉप किस तरह से यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।